वेलकम अनवर्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार आज आपको बता रहा हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन में चल रहे थे रेशियो। रेशियो में जो कुछ भी हम पढ़े उसमें मैथ और साइंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दोनों मिक्स है। एक्चुअली वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का चैप्टर है। आज हम रेशियो में चलते हैं मैथ और साइंस का मिक्स क्वेश्चन कैसे बनता। देखिए कभी कभी होता है एग्जाम में आ जाते हैं सब बोलता है कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। देखिए कैसे बनता है। एक धातु का टुकड़ा है और इसमें एक नहीं दो तीन धातु मिला हुआ है। ठीक है, दो तीन धातु मिलके एक धातु बनता है, क्या बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे बोलते हैं? जब दो या दो से अधिक धातु मिलके बनती है तो उसे मिश्र धातु बोलते हैं। इसी तरह एक मिश्र धातु है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? ईंट मिला हुआ है और लेड मिला हुआ है, सीसा और चांदी, तीनों धातु मिला हुआ है, तीन धातु। इसमें से बोल रहा है कि जो धातु है तीन धातु से मिलकर बना, ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए एक पंद्रह भाग मिला है तीन, तीन कितना है? पंद्रह भाग है तीन, आठ भाग है आपका लेड और दो भाग है चांदी। कहने का मतलब तीन धातु मिलके एक मिश्र धातु बनता है। ठीक, तो ये जो मिश्र धातु है तो ये पूछ रहा है दो तरह के आदमी होते हैं। एक होता है कैसे कि किसी को हम दस रुपया दिए या सौ रुपया दिए, मान लीजिए एकदम बारीकी से समझिए, किसी को हमने सौ रुपया दिया, एक ने बीस रुपया खर्चा कर दिया इसमें से, फिर एक दूसरे पर्सन को सौ रुपया दिए या क्या क्या बीस रुपया इसमें खर्चा कर दिया और एक ने बीस परसेंट खर्चा किया। चलिए है तो दोनों बराबर, कैसे बराबर है? जो ज्यादा तेज करा रहा है, पढ़ा लिखा रहा है, वो क्या बोलता है कि नहीं जितना दिया था उसका बीस परसेंट हम खर्चा किए, बाकी पैसा मेरे पास है। और एक होता क्या, नहीं हम बीस रुपया खर्चा किए, ये तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी बोल रहा है बीस परसेंट, लेकिन दोनों देखिए दोनों बराबर है। इसी तरह ध्यान दीजिए, एक मिश्र धातु है जो तीन तरह के धातु मिलकर बना हुआ है, वह ये बोल नहीं रहा कि कितना परसेंट तीन है, कितना परसेंट लेड है और कितना परसेंट चांदी है। मान लीजिए चलिए उसको परसेंट निकालना नहीं आता होगा, तो धातु का टुकड़ा हुआ तो पंद्रह टुकड़ा ला के मिला दिया तो बोलते हैं पंद्रह भाग, यानी पंद्रह ये आठ ये दो। अब हम निकालते हैं कि इसमें से तीन कितना है, कितना परसेंट तीन मिला हुआ है, कितना परसेंट लेड है और कितना परसेंट चांदी मिला हुआ है। चलिए देखिए कैसे बनता है, बहुत आसान है, बस सोच पे डिपेंड है कि कौन कैसे बना रहा है। सबसे पहले और भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, सौ परसेंट परसेंटेज पढ़ाए थे तो बताए थे। चलिए देखिए यहां पर सबसे पहले टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्स मेटल, टोटल मिक्स मेटल यानी मिक्स धातु का टोटल कितना है, पंद्रह भाग प्लस आठ भाग प्लस दो, पंद्रह आठ आठ दो मिलकर आठ आठ दो दस आठ पंद्रह पच्चीस, मेरा टोटल कितना गया पच्चीस। अब हम निकालते हैं कि टोटल भाग मेरा पच्चीस है, अब पच्चीस में से पंद्रह भाग है तीन, आठ भाग है लेड और दो भाग है चांदी, तीन कैसे निकलता है? सबसे पहले हम क्या बताएं, एक मिश्र धातु है जो तीन तरह के धातु से मिलकर बना हुआ है, पंद्रह भाग लेड है, पंद्रह भाग क्या तीन है, आठ भाग लेड है और दो भाग चांदी है। हमको निकालना क्या है कि कितना परसेंट है, परसेंट में पूछ रहा है, प्रतिशत में। देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्स मेटल कितना है, पच्चीस है। अब हम निकालते हैं किसका, तीन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकलेगा, थोड़ा कंफ्यूजन है कि कैसे निकलेगा, बताते हैं ध्यान देखिए, तुरंत निकल जाएगा। आप लोग सुने होंगे
कि जब पहला से लेकर नौवा तक कोई पढ़ता है तो क्लास में तीन गो फर्स्ट डिवीजन होता, लेकिन जैसे वो मैट्रिक चल जाता है तो क्या वो बोलते हैं कि उसमें फर्स्ट डिवीजन बहुत सारे लड़के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं फर्स्ट डिवीजन बहुत सारे हो जाते हैं, कैसे होते हैं? देखिए हम एग्जाम दे रहे हैं पांच विषय का, कई विषय का मैट्रिक परीक्षा में छह विषय होता है, एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक इंग्लिश या संस्कृत अलग अलग बोलते अलग अलग नियम है। तो पांच विषय का हम एग्जाम दिए तो हम लाए 300 नंबर, तो 300 नंबर लाया तो लड़का बोलता है कि फर्स्ट डिवीजन कर गया, तो क्या उसमें से एक ही लड़का 300 लाता है? नहीं, उसमें जितने लड़के लाएंगे वो 300 नंबर वो फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि सबसे पहले डिपेंड करता है टोटल मार्क्स, टोटल यानी फुल मार्क्स, यानी टोटल नंबर कितना है 500 का है, 500 में अगर कोई लड़का 300 लाता है तो वो फर्स्ट डिवीजन हो जाता है 60%, 300 से ऊपर जितना लाए वो फर्स्ट डिवीजन, 300 से कुछ नीचे सेकंड डिवीजन, फिर उससे नीचे कर दिए कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, तो हम तो तुरंत निकाल लेते हैं, जबकि हमको पता है कि 305 नंबर अगर हम लाएंगे तो मेरा 61% होगा, वो लड़के को याद हो जाता है लेकिन कैलकुलेशन करना नहीं आता है। 300 नंबर को लाता है तो वो 300 से जितना ऊपर लाता है झारखंड बोर्ड का एग्जाम में मैट्रिक में वो फर्स्ट डिवीजन में गिनती होता है, उसी तरह ये भी चीज है। देखिए देखिए जैसे एक लड़का बोला कि मेरा 310 नंबर है तो हमारा 62% का फर्स्ट एकदम उसी तरह निकालते, देखना टोटल फुल मार्क्स कितना है, पांच विषय है तो 500 है, उसने स्कोर लाया स्कोर ओपन किया यानी नंबर वो लाया 310, उसका परसेंट में निकला 62%। देखिए कैसे निकला, ये क्वेश्चन ये से बनेगा, इसको ब्रैकेट रखना है एकदम, सब लड़के जानते हैं कि 300 लाए 10 लाए तो 62% लाए, 300 लाए तो फर्स्ट डिवीजन लाए, कैसे निकला देखिए कैसे निकला, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कितना है, टोटल है 500 है, कितना लाया 310, तो देखिए हम यहां लिख रहे हैं तीन का भाग, तीन का भाग देख लीजिए, ठीक यहां लिखे कुल कुल भाग गुना 100, देखिए इस लड़का का भी निकल जाएगा 62 और इसका भी निकल जाएगा, ध्यान देते रहना है, तीन का कितना भाग है 15 भाग, इटो ये कितना लाया लड़का 310 लाया है, टोटल कितना है 25, इसी तरह टोटल यहाँ कितना है 500, फिर गुना क्या करेंगे 100 से, ये बोला मेरा 62% है लेकिन हमको पता नहीं कैसे निकाला जाता है, चलिए दोनों सीख लीजिए 100 काटिए, 20 कट गया 5 36 10 बज गया 5 10 आ गया 62%, उसी तरह देखिए यहाँ पर 25 14 100 15 14 60%, आप बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो जब हम तीन का निकाल लिए तो हम अगला हम निकाल लेते लेट का निकाल लेते, लेट की प्रतिशत मात्रा कैसे निकाले, तीन का भाग तो हम क्या लिखेंगे लेट का भाग बटे कुल भाग गुना 100, लेट का कितना भाग है 8 भाग, हाँ ठीक 8, कुल कितना है 25, इसको 100 से गुणा कर दीजिए 25 चौका 100 8 चौका 30%, इसी तरह निकालिए चांदी, चांदी की प्रतिशत मात्रा, चांदी कितना है 2, 25 25 चौका 100 4 गुणे 8। अब देखिए एक निकल गया मेरा 3% है 15 भाग यार प्रतिशत में पूछे तो 60% है, लेड मेरा 32 है और चांदी तीनों को जोड़िए तो 100 आ रहा है, यानी मेरा आंसर सही है। चलिए उधर थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक सर फाइनल आंसर आपका इधर है, आप सिर्फ हाँ सर आप किसी का भी परसेंट निकालना रहेगा, कुल दिया रहेगा जितना भाग दिया रहेगा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 100 से गुणा कर देना, इनका भाग लिख के नीचे कुल भाग गुणा 100, अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर।
चलिए एक मिनट साथ में आप पूछो, अलग अलग भी मेडल दिया रहेगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन इसी तरह दे देते हैं, घर से बना के लाइएगा। चलिए 15 भाग 3 है, यानी कहते हम 25 भाग 16। आठ भाग लिख दिए हम चांदी, और 12 भाग लिख दिए हम तांबा। चलिए ये क्वेश्चन बना के लाइएगा, ये क्वेश्चन है होमवर्क। चलिए इधर हम मिटा देते हैं। चलिए ये मेरा होमवर्क है, ये बना के आज ही बना के आज कमेंट कर देना इसमें आंसर, हम वहां कमेंट करके आंसर लिख देंगे, आप पूरा मिला लीजिएगा, क्योंकि आज ऑनलाइन नहीं लेंगे, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए तब तक देखने के लिए थैंक यू।